यशस्वी भव। राजन, ये कैके के राजपुरोहित हैं। आयुष्मान भव राजन, मैं कैके राज्य से महाराज कैके की ओर से उनकी सुपुत्री राजकुमारी कैके के वागदान के प्रथम विधि संपन्न करने आया हूं। दासी, कृपया ये श्रीफल एवं उत्तरीय स्वीकार कर पूरे कैके राज्य को आभार का अवसर दे। ये तो परंपरा है राजन, स्वीकार कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजपुरोहित जी, इस विधि से रघुकुल ने राजकुमारी कैकेयी को अपनी कुलवधु के रूप में और राजा दशरथ ने अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया, और मैं रघुकुल का कुलगुरु होने के नाते इस विवाह को संपन्न कराने की घोषणा करता हूं। शुभमास्तु। ये ना कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। देवी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं आपका ऋणी हूं और यह ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। राजकुमारी की जय हो। अयोध्या नरेश दशरथ आए हैं। क्या, महाराज दशरथ कहाँ हैं? वो इधर ही आ रहे हैं। आप, मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है देवी। आश्चर्य? मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं स्वप्न? नहीं, ये स्वप्न नहीं है देवी। मैं वही दशरथ हूं जिसका जीवन आपकी वीरता का उपहार है। नहीं, आप वे दशरथ हैं जिनका प्रेम अब मेरे जीवन का आधार है। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका आपका स्वागत कैसे करूं। बुद्धिमान कहते हैं कि जो बात समझ में ना आए वो नहीं करनी चाहिए। स्वागत तो औपचारिकता है। मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतनी शीघ्र लौट आएंगे। और मुझे हर पल स्मरण था कि यहां मेरी प्रतीक्षा की जा रही है, और यह भी स्मरण था कि यहां कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे नेत्रों पर आपके चित्र और मन पर आपकी स्मृति का सर्वाधिकार हो चुका है राजन। आपने ये नहीं पूछा कि मैं यहां क्यों आया। क्यों पूछूं? आपके आने का कारण पूछने का अर्थ यह होगा कि मुझे अपने प्रेम पर विश्वास नहीं। आपका विश्वास जीत गया देवी। राजन। हां देवी, मैं वो कहने आया हूं जो पहले न कह सका। आपने मुझे युद्ध में विजय की बधाई देते हुए कहा था कि जीत केवल मेरी हुई थी, आप हार गई थी। ये सत्य नहीं था राजकुमारी कैके। सत्य तो यह है कि युद्ध क्षेत्र में जब आपके काले घने केश खुलकर बिखरे थे और श्रावण की उस घटा से मुझे आपका मुखचंद्र दिखाई पड़ा था, मुझे उसी क्षण विश्वास हो गया था कि मैंने भी अपना बहुत कुछ हार दिया है। मैं जान गया था कि यह क्षण अब जीवन के किसी भी क्षण मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हां देवी, मैंने आपके पिता श्री का शगुन स्वीकार कर लिया है।
राजन, मुझे ईश्वर ने हृदय इसीलिए दिया था ताकि मैं उसे आपके चरणों में रख दूं। और मैंने उस हृदय को बड़े प्यार से उठाकर अपने हृदय में रख लिया है। किंतु राजन, मैं समझ गया कि आप क्या जानना चाहती हैं। सुमित्रा और कौशल्या ने क्या कहा यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना ही कह रहा हूं कि वे दोनों व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं भी उन्हें मिलने को अधीर हो रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवी। अयोध्या में लोग मुझे खोज रहे होंगे, सोचते होंगे कि मैं न जाने कहां जाकर छुप गया। अयोध्या वाले शीघ्र ही जान लेंगे कि आप केवल मेरे हृदय में ही छिप सकते हैं। अच्छा देवी, ये मेरी धाइना मंत्रा है। मैंने इसी की गोद में अपनी आंखें खोली थी। मंत्रा ने मां बनकर पाला है मुझे। दाइमा को मेरा प्रणाम। तेजस्वी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। ईश्वर संसार की सारी प्रसन्नताएं आपके चरणों में रखते। मैं जानती थी जिसे मेरी राजकुमारी ने चुना होगा वो ईश्वर के भंडार का सबसे अनमोल रत्न होगा। महाराज, मैं अपनी राजकुमारी के चुनाव पर बलिहारी जाऊं। वाह पुत्री, चुना भी तो दो पत्नियों वाला पति। स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तेन स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः स्वर्गो देवगणाः पृथिवीव वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी। तेरे संपन्न हुए, अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। आयुष्यमान भव, आयुष्यमति भव। हे महाराज, मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि इसकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की है। आज ये मुझसे विदा हो रही है तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरी पुत्री का ध्यान रखेगा महाराज, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वहां इनकी हर इच्छा पूरी होगी। अयोध्या में इतना स्नेह मिलेगा कि ये कह कह भूल जाएंगी। एक और विनती है महाराज। आदेश करें। मैंने आपको बताया था कि मंत्रा ने मां बनकर मेरी पुत्री को पाला है। मुझे भली बात ज्ञात है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं मंत्रा को कैकेयी की देखरेख के लिए आपके साथ भेज दूं। आपत्ति? मुझे हर्ष होगा।
हे रानी कैकेयी, सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश में तुम्हारा स्वागत है। अब अयोध्या ही तुम्हारा घर है। मैं जानती हूं तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। महाराज तुम्हारे विषय में हमें सब कुछ बता चुके हैं, किंतु मैं आयु में तुमसे बड़ी हूं, इसलिए तुम्हें यह बताना मेरा कर्तव्य है कि पुत्रवधु दो वंशों की मर्यादा लेकर आती है और उसे ये दोनों मर्यादाएं संभालनी होती है। आप सबको मेरी ओर से कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और तुम्हें हमारी ओर से सदैव पूर्ण सहयोग, मित्रता और शुभकामनाएं मिलती रहेगी। तो मैं चलती हूं, नवजीवन की एक बार और बधाई। स्वामी, मुझे आपसे यह कहने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु फिर भी आप जिसे अर्धांगिनी बनाकर लाए हैं उसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो मीरा और सुमित्रा के साथ करते रहे हैं। उसके प्रति कोई अन्याय ना होने पाए। वो अपना देश छोड़कर आई है, अपने पिता की लाडली है। आप महान हैं, पटरानी होते हुए भी कैकेयी के प्रति जो प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन आप कर रही हैं, ये गुण हर स्त्री में नहीं होता। साधारणतया एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपने अधिकारों का एक अंश भी नहीं देती, और आप मुझे सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश का हित अपने हित से अधिक प्रिय है महाराज। यह आग्रह मैं और मेरे साथ बहन सुमित्रा केवल इसलिए कर रही है कि रघुकुल को उत्तराधिकारी मिल जाए। कौन जाने, राजकुमारी कैकेयी रघुकुल के लिए एक वरदान सिद्ध हो। अब जाइए महाराज, राजकुमारी कैकेयी आपकी राह देख रही होगी। जीवन का प्रथम पुरुष हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि आप मेरे जीवन की प्रथम नारी नहीं हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी महत्ता किसी से कम है। हां, यह संभव है कि आपने जिसे नायक चुना है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध ना हो। मैंने आपको अपने जीवन का महानायक चुना है महाराज। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, क्या होता है, इसकी व्याख्या केवल मैं कर सकती हूं। यह अधिकार मेरा है।
महाराज, स्त्री के अधिकारों के प्रति आप कितने जागरूक हैं ये देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इसमें आपकी बड़ी बहनों कौशल्या और सुमित्रा का भी बड़ा हाथ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दोनों आदर्श नारियां हैं। महाराज, इस कुल में आने से वे धन्य हो गई। आपके संग नवजीवन आरंभ करने से पहले मुझे अपनी बड़ी बहनों से आशीष ले आने दीजिए। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं महाराज, मैं अकेली जाना चाहती हूं। जैसी आपकी इच्छा। कैकेयी केवल आयु में छोटी नहीं, बहुत भोली भी है। और प्रसन्नता की बात यह है कि उसके मन में हम दोनों के प्रति बहुत आदर है। मुझे भी वो पहली दृष्टि में ही भा गई। ईश्वर करे वो महाराज के वंश को हरा भरा बना दे। इस भवन में किसी नवजात शिशु की किलकारियां गूंजने लगे। ऐसा ही होगा दीदी। सत्य कहते हो सुमित्रा? यदि कैकेयी के गर्भ से शिशु जन्मा तो मैं उसे अपनी संतान समझकर कलेजे से लगा लूंगी। प्रणाम महारानी। नई महारानी द्वार पर खड़ी है। द्वार पर खड़ी है जी। तुम यहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ आओ। तुम द्वार पर क्यों खड़ी थी बहना? भीतर आना चाहिए था। मैंने सोचा कदाचित आप दोनों कुछ निजी बातें कर रही हैं। अब यहां ऐसे कोई निजी बात नहीं होगी छोटी रानी जिसमें तुम सम्मिलित ना हो। अब तुम हम सब के जीवन का अंश हो। नवजीवन आरंभ करने से पहले मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेना चाहती थी। संतानवती भव। सौभाग्यवती भव। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाती हूं कि मैं आप दोनों की छोटी बहन ही बनकर रहूंगी। और हम दोनों तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम तीनों बहनों की भांति मिलकर रहेंगे। अब तुम अपने कक्ष में जाओ, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चल आओ। वास्तव में बहुत प्यारी और बहुत भोली है। सत्य कह रही हो दीदी। देवी,
वचन दिया था कि जीवन में किसी भी समय आप दो वर मुझसे मांग सकती हैं। आप चाहें तो आज इसी क्षण जो चाहे मांग लें। मुझे आप मिल गए, आपका प्रेम मिल गया, दो प्यार करने वाली बड़ी बहनें मिल गईं, एक बड़ा कुल मिल गया, मुझे एक महान वंश मिल गया है। अब तो ईश्वर से भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही, आपसे क्या मांगूं? यदि कोई आवश्यकता हुई तो आपसे नहीं तो और किससे मांगूंगी? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वीकार कीजिए। जो आपसे मिले वो तुच्छ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपके हाथों की सुगंध खुली होती है। महारानी कह गई, चिंतन में डूबी हुई दिखाई दे रही है महादेवी। किस समस्या ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है? कुछ नहीं कमलनयन, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के भाग्य की विडंबना के विषय में सोच रही थी। विडंबना? विडंबना कैसी महादेवी? इस क्षण तो उनके जीवन रूपी सागर में सुख का ज्वार आया हुआ है। उन्हें कौशल्या और सुमित्रा जैसी देवियों का साथ तो प्राप्त था ही, अब देवी कैकेयी जैसी वीर सुंदर और साहसी स्त्री उनके जीवन में सुख का संदेश लेकर आई है। सुख का संदेश? तो क्या आप भी कौशल्या सुमित्रा की भांति यही समझती हैं कि कैकेयी राजा दशरथ को वो दे सकेगी जो वे दोनों न दे सकी? कैकेयी राजा दशरथ को संतान दे पाती है अथवा नहीं, ये तो केवल विधाता जानते हैं महादेवी, परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे चिंता है सर्वेश्वर, मुझे चिंता है। यदि दशरथ को संतान नहीं मिलती है तो उन्होंने आज जिस सुख का अनुभव किया वो क्षणिक सिद्ध होगा, और यदि उन्हें संतान मिलती है तो श्रवण के माता पिता का श्राप उनकी ताक में है। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महादेवी। श्रवण के माता पिता का श्राप उनके दुखी हृदय की पुकार था, और आप तो जानती हैं महादेवी कि दुखी हृदय की पुकार अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहती। तो क्या श्रवण के माता पिता का श्राप ही किसी नई कहानी का कारण बन जाएगा? महादेवी, जिस शंका ने आपके मस्तिष्क में सिर उठाया है वो सर्वथा निराधार नहीं है। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र होती है महादेवी। देखिए ना, यदि प्रकृति को बंजर धरती पर भी पौधा उगाना होता है तो वो वायु के हथेली में छुपाकर एक बीज भेज देती है, और देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बंजर धरती पर एक हरा भरा वृक्ष कहां से आ गया। हे कमलनयन, तो क्या वास्तव में वही श्राप राजा दशरथ के जीवन में संतान सुख का कारण बन जाएगा? इसका ज्ञान भी विधाता को ही है महादेवी, परंतु हां मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। बताइए महादेवी। हर कथा का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, हर घटना का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और हर अनहोनी किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही जन्म ले सकती है।
महादेवी, वो कारण कभी कभी अपने ही पास होता है तो दिखाई देता है, तो कभी इतना दूर होता है कि उसे देखना संभव ही नहीं होता। हे सर्वेश्वर, आपकी बात पूर्ण रूप से मेरी समझ में नहीं आई। महादेवी, कभी कभी होने वाली घटनाओं का कारण घटनास्थल से दूर होना भी तो संभव होता है। यूं समझिए कि कभी कभी धरती पर जो घटनाएं घटती हैं, उनका कारण दूर नभमंडल और अंतरिक्ष में होने वाली हलचल होती है। आज वही हो रहा है। क्या हो रहा है कमलनयन, और कहां हो रहा है? महादेवी, अयोध्या में जो कथा जन्म लेने वाली है, उसका कारण अयोध्या से बहुत दूर लंका में बन रहा है। लंका में? हाँ महादेवी, लंका में, लंका नरेश रावण के घर में। आइए महारानी, विराजिए। क्या बात है महारानी, आज आप खिन्न और दुखी दिखाई दे रही हैं। हां स्वामी, मैं दुखी अवश्य हूं। मैं आपके दुख का कारण जानता हूं। क्या जानते हैं आप? आप मेरे उस दिन के व्यवहार से दुखी हैं जब मैंने युद्ध भूमि से लौटकर आरती का थाल फेंक दिया था, दीप बुझा दिए थे। महारानी, मैं उस दिन के व्यवहार की क्षमा मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि आप समझ गई होंगी कि उस समय मेरी मनस्थिति क्या रही होगी। दशरथ के हाथों पराजय ने मुझे अत्यंत हताश कर दिया था, और उसी आवेश में आकर मैं आपका तिरस्कार कर बैठा। स्वामी, वो हमारे घर की बात थी, मैंने आपके क्रोध का कारण जानकर उस बात को भुला भी दिया। तो फिर अब क्यों दुखी दिखाई दे रही हैं? इसका कारण बाहर की बात है स्वामी, घर के भीतर की बात दब सकती है, दबाई जा सकती है, किंतु बाहर की बात न दब सकती है न दबाई जा सकती है। वो वायु के कंधों पर सवार होकर सारे संसार में फैल जाती है। महारानी मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आप महान बुद्धिमान हैं, मुझे आपकी बुद्धिमता में कोई संदेह नहीं है, परंतु आप जो कह रही हैं वो मेरी बुद्धि में नहीं समा सका। क्या आप अपनी बात के लिए स्पष्ट और सरल शब्दों का चयन नहीं कर सकती? मैं जानना चाहता हूं कि आपके दुख का कारण क्या है। स्वामी, कुछ ऋषि पत्नियां मेरे पास आई हैं। ऋषि पत्नियां? आपके पास क्यों आई हैं? संभवतः इसलिए कि वो समझती हैं कि मैं नारी हूं, और नारी होने के नाते मैं उनकी सहायता कर सकती हूं। क्या सहायता चाहती है वे आपसे? हे लंकेश, सुना है आपने ये आदेश दिया है कि हमारी राज्य की सीमा में जो भी ऋषि यज्ञ करेगा उसे कर भरना होगा। तो क्या राजा होने के नाते मुझे कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी? अधिकार है स्वामी, पर कर उन पर लगाया जाता है जो कर भरने की क्षमता रखते हों, जो इस योग्य हों। ये दुखियारे तो दान दक्षिणा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये कर भरने के लिए धनराशि कहां से लाएंगे? मुझे तो आपकी चिंता निराधार दिखाई पड़ रही है महारानी, क्योंकि इस समस्या का समाधान तो बहुत सीधा साधा है। वो क्या? ऋषिगण यज्ञ करना छोड़ दें, वे हमारे कर से मुक्त हो जाएंगे। आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो अपना धन छोड़ दें? मैं उनसे ये कह रहा हूं कि लंका पर मेरा राज्य है, रावण राज्य, और मेरे राज्य में किसी को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं जो मेरी इच्छा से मेल न खाता हो। क्षमा करें लंकेश, किंतु प्रजा के किसी भी वर्ग से यह कहना कि वो अपना धर्म
अपने सिद्धांत त्याग दे राजा की महानता के विरुद्ध है। और राजा की आज्ञा की अवहेलना प्रजा के किसी भी वर्ग के लिए दंडनीय है। यदि ऋषिगण यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें कर देना होगा, और यदि वो कर नहीं दे पाते तो उन्हें दंड भोगना होगा। और वो दंड क्या होगा? कुछ अधिक नहीं महारानी, कुछ अधिक नहीं। आप तो जानती हैं कि मैं बहुत न्यायप्रिय हूं, जो कर नहीं देंगे अथवा दे नहीं पाएंगे उनके शरीर से विशेष मात्रा में रक्त निकाल लिया जाएगा। सो बात बहुत सरल है, जो भी यज्ञ करना चाहे करे, उसे स्वतंत्रता है। मैं किसी के स्वतंत्रता को कुचलना नहीं चाहता। बस जो कर नहीं देंगे उन्हें रक्त देना ही होगा। क्यों है ना न्याय संगत? हे ईश्वर, ये न्याय संगत है। ये न्याय संगत है। महारानी, आपसे मिलने जो ऋषि पत्नी आई है उन्हें मेरी ओर से शुभ समाचार दे दीजिए कि मैंने उनकी समस्या का बहुत सरल समाधान बता दिया है। अब मुझे अनुमति दीजिए, बहुत सारे ऋषिगण पकड़ कर लाए गए हैं, मुझे उनको भी न्याय देना है। महारानी, स्मरण रहे यह आपका क्षेत्र रनिवास है, मेरा सभागार नहीं। स्मरण रहे। कर लेने के नाम पर बहे रक्त की धार, यह कैसा अन्याय है, कैसा अत्याचार। त्राही त्राही सब कर उठे, कांपे तीनों लोक, सबके